नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त देवधाकर और आप देख रहे हो यंग इंडिया व्लॉग्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक और रोमांचकारी यात्रा करवाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अभी हम मौजूद है चित्तौड़गढ़ किले पर, और अभी हम जिस स्थान पर मौजूद है उसे जोर स्थल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर रानी कर्णावती और फूलकुंवर के नेतृत्व में दो बार जोर हो चुका था। और ये जो आप प्रांगण देख पा रहे हैं, ये वही प्रांगण है जहां पर जोहर की ज्वाला धधकी थी और राजपूती छत्राणियां अपने आन मान सम्मान के लिए जलती हुई आग में कूद गई थी। तो दोस्तों, हमने जोहर स्थल और इस प्रांगण में स्थित विजय स्तंभ और समिधेश्वर महादेव जी के मंदिर के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं घोमुख कुंड की तरफ, जहां पर स्थित एक चमत्कारी झरना जो 12 महीने बहता रहता है और गाय के मुख के समान पत्थर से ही वह झरना निकलता है। और वहां पर स्थित 50 फीट गहरे कुंड को हमेशा पानी से भरे रखता है और यहां पर 12 महीने पानी उपलब्ध रहता है। और साथ ही यहां पर एक गुप्त सुरंग है जिसका उपयोग महारानी पद्मावती किया करती थी। तो चलिए चलते हैं घोमुख कुंड की तरफ और आपको बताते हैं गुप्त सुरंग जिसका उपयोग महारानी पद्मावती किया करती थी और साथ ही वह अद्भुत और चमत्कारी झरना भी आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं घोमुख कुंड की तरफ। दोस्तों, अभी आपको जो सामने एक छोटा सा भवन दिखाई दे रहा है, यहीं पर महारानी पद्मावती की एक मूर्ति स्थित है और यहीं पर वो सुरंग बनी हुई है जो महारानी पद्मावती यूज़ किया करती थी। और इस सुरंग के बारे में हमने आपको एपिसोड 3 में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिख रही होगी, वहाँ पर जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है गुफा बंद है, तो इसी दीवार के पीछे वो गुफा स्थित है जो महारानी पद्मावती उपयोग किया करती थी। और इसी गुफा के बारे में काफ़ी अच्छा इतिहास हमने आपको एपिसोड 3 में बताया है। तो अभी आप देख रहे हैं कुंभा महल का सीन है जहाँ से ये सुरंग प्रारंभ होती है। तो अभी हम आपको एक छोटा सा सीन बताते हैं जो कुंभा महल में सुरंग स्थित है। दोस्तों, अभी जो आप देख पा रहे हैं ये सुरंग, यहाँ से अंदर जाते हैं तो सुरंग प्रारंभ होती है और इसी सुरंग के अंदर महारानी पद्मावती ने जोहर भी किया था और इसी सुरंग का उपयोग महारानी पद्मावती किया करती थी। क्योंकि महारानी पद्मावती सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए घोमुख कुंड में स्नान करने के लिए आती थी, तो उसी सुरंग के माध्यम से आती थी। अभी आप देख पा रहे होंगे पूरी सुरंग, अभी जो महाराणा कुंभा के महल से सुरंग है वहाँ पर भी इसका मुंह बंद कर रखा है और दूसरी तरफ घोमुख कुंड की तरफ से भी सुरंग को बंद कर रखा है। बाकी यह सुरंग तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन फिलहाल अभी बंद है। दोस्तों, अभी जो आप सामने स्टैचू देख पा रहे हैं ये महारानी पद्मावती का स्टैचू है। इसके बारे में बताया जाता है कि 1326 ईस्वी के आसपास हम्मेशी सिसोदिया ने इस स्टैचू को बनवाया था। तो अभी इसके पीछे सही इतिहास क्या है वो तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बाकी लोग बताते हैं कि 1326 के आसपास ही हम्मेशी सिसोदिया जी ने इस मूर्ति की स्थापना करी थी जो महारानी पद्मावती का प्रतिरूप है। दोस्तों, अभी आप जो देख पा रहे हैं यही है घोमुख कुंड जो 50 फीट के लगभग गहरा है। और अभी जो आप एक सामने एक छोटे से कक्ष में देख पा रहे होंगे, यहीं पर गाय के मुख से पानी निरंतर निकल रहा है और नीचे एक भगवान शिव का खूबसूरत शिवलिंग बना हुआ है जहां पर लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। तो यहां पर पानी 12 महीने गिरता रहता है और यहाँ से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। और ये जो पानी है वो पानी अमृत के समान है और चित्तौड़गढ़ को तीर्थ राज के नाम से भी जाना जाता है। लोग जब कभी यात्रा जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ आके इस घोमुख कुंड के पानी को जरूर सेवन करते हैं और यहाँ के पानी को सेवन करके अपने आप को पुण्य का भागीदारी बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी यह था घोमुख कुंड जो आपने देखा। अब चलते हैं अपन ऊपर और देखते हैं आगे कौन सा प्लेस हमको देखने को मिलता है। Thank you.
तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आपको एक सिटी का खूबसूरत व्यू बताते हैं जहाँ से आप पूरा चित्तौड़गढ़ शहर देख पाएंगे। यहाँ से सिटी काफ़ी खूबसूरत लगती है, दूर दूर तक सफ़ेद सफ़ेद मकान दिखाई देंगे और काफ़ी दूर तक हमको यहाँ से दिखाई देता है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और साथ ही आपको यहाँ पर गोमुख कुंड की झील भी दिखाई देगी। तो ये देखिए नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक नज़ारा है। चलिए दोस्तों, गोमुख कुंड से ऊपर आने के बाद हम आपको एक खूबसूरत मंदिर बताते हैं जहाँ पर एक संत ने समाधि ली थी। और अभी ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये पूरे चित्तौड़गढ़ किले के अवशेष है जो एक ज़माने में कभी यहाँ पर भव्य महल और भव्य मंदिर रहा करते होंगे। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर की तरफ और देखते हैं समाधि। गुरुजी, मंदिर कौन से भगवान का है? मंदिर ये? हाँ, ये निंद्रनाथ जी का आश्रम है। ये निंद्रनाथ जी का जिंदा समाधि, इंद्रनाथ से नीचे गंगा माता भी चल रही है। समाधि यहीं पे ली थी? कहाँ पे ली थी? ये समाधि। अच्छा, ये नेमिनाथ जी इनका नाम इतिहास में लिखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, यहाँ ऋषि मुनि थे, एक महात्मा थे, उन्होंने यहाँ पर जिंदा समाधि ली थी। तो उन्हीं की समाधि स्थल पर ये पूरा मंदिर बनाया गया है और आप देख पा रहे होंगे एक शिवलिंग उनकी समाधि पर स्थापित है। दोस्तों अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से आपको नज़ारा दिखाएंगे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखने वाला है। और पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। यहाँ से आप चित्तौड़गढ़ शहर का नज़ारा और चित्तौड़गढ़ किले को दीदार कीजिए। दोस्तों आज की यात्रा यहीं तक समाप्त होती है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पर नए आए हो, चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ, कुछ नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।